हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। बस एक पिछला व्लॉग जो आपने देखा होगा उसी के बाद का, इलू और मैं छत पे चक्कर निकाल रहे थे, बस उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए थे। ये मेरा फेवरेट वाला है स्वेटर जो कि इनका है, जो मुझे यही सोता है 3 साल से। आप मेरे देख रहे होंगे 3 साल से सर्दियों में मैं यही यूज़ ले रही हूँ क्योंकि मुझे चलता ही यही है और एक दो और है। तो बस यहाँ पे फेस को वॉश किया शाम की, जो है पूरी क्लीनिंग की, और इसी वजह से सुबह को मेरा काम जो है ना जल्दी हो जाता है क्योंकि शाम भी मैं करके सोती हूँ झाड़ू पोछा, तो ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर खाना बनाना था और आज खाने में मुझे बनाना था बाहुबली पराठा, तो उसकी तैयारी करूँगी। तो बस अभी क्लीनिंग कर लेते हैं शाम की। यहाँ पे ये शूज वाली रैक है, शू रैक है, तो मैं सोच रही थी हमारे पास काफी इलू मेरे मिलके इनके मिलके, तो मैंने क्या किया, ये जो बॉक्स है वो लगा दिया। इससे क्या होगा ना कि एक शेल्फ और बन जाएगी, तो अगर ये मेरे पास और छोटा वाला होता ना तो मैं और छोटा वाला रखती तो उससे एक जगह बन जाती, तो कम स्पेस में भी आप ज्यादा रख सकते हो, तो इसको डेकोरेट करके भी रख सकते हो। तो मैंने किया था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बता दूं। तो ये जो बॉक्स होते हैं ना उनको बहुत काम में हम ले सकते हैं, किसी भी काम में। आपने देखा होगा वार्डरोब में, तो आपने देखा ही होगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया था, कैसे अपनी ऑर्गेनाइज की थी। ऐसे ही मैंने ये शूज़ के लिए भी और जो बॉक्स रखे होंगे उनको इस तरीके से लगाऊंगी, उससे क्या है कि शेल्फ बन जाएगी और जगह कम स्पेस में फिर ज़्यादा सामान रख सकते हैं। बस फिर पोछा वगैरह करके बर्तन जो है वो करने लगी थी मैं, और सिंपल सा व्लॉग शूट किया था। आज के दिन पर फिर कुछ गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से ये व्लॉग ना अधूरा ही रह गया था, और एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं जो भी सब्जियाँ फ्रिज में रखी थी वो, जैसे कि गाजर मेरे पास रखी थी, पत्ता गोभी रखी थी, हरी मिर्ची मैंने ले ली है, एक आलू था, और सोयाबीन जो है ना वो कलिंग मटर रखे थे। तो इससे क्या होगा कि मिक्स वेज पराठा बन जाएगा। अब मेरी बेटी मटर नहीं खाती है और सोयाबीन हम लोग वैसे नहीं खा सकते क्योंकि हमें थोड़ा सा नॉनवेज सा लगता है, तो हम क्या पराठों में यूज़ लेते हैं या मोमोज में यूज़ लेते हैं तो वो अच्छा लगता है, तो कीमा टाइप हो जाता है ना उसका। तो मटर और सोयाबीन को मैंने चढ़ा दिया है उबलने के लिए, ये जब बॉयल हो जाएंगे तो इनको मिक्सी में मैं करके पराठे में यूज़ दूंगी, तो एक बहुत ही हेल्दी सा टेस्टी सा पराठा तैयार हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा वाला बाहुबली पराठा तैयार करेंगे। यहाँ पे पत्ता गोभी मैंने कट कर लिया, इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे छोटा छोटा। गाजर को मैं कद्दूकस कर लूंगी, और यही पत्ता गोभी और गाजर जो है चूचो की खिचड़ी में भी काम आ जाएगी, और यही सोया बड़ी भी उसी में मैं डाल दूंगी, तो उसको भी बहुत हेल्दी वाली खिचड़ी जो है वो मैं देती हूँ, आजकल वो खाने लगी है तो मैं दे देती हूँ। तो बस उसी की खिचड़ी की थी कि मूंग की दाल ली है, एक हरी दाल और डाल देती हूँ मैं, थोड़े चावल डाल देती हूँ, थोड़ी सोया बड़ी डाल देती हूँ, पत्ता गोभी गाजर जो भी सब्जियाँ दे सकते हैं इनको वो वाली मिला के, और एक हेल्दी सी खिचड़ी तैयार कर देती हूँ, तो उसके लिए भी प्रोटीन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये देखो ऐसे आजकल क्या है कि आ जाती है जब इसको भूख लगती है तो मुझे देखने लगती है, तो बस इसकी खिचड़ी तैयार होने में टाइम था। और ये कुकर वाली बिल्कुल लतपत वाली नहीं खाती है, इसको थोड़ी खिली खिली वाली पसंद है, तो फिर मैं ऐसे पानी में बनाती हूँ इसकी खिचड़ी बॉईल करके। तो यहाँ पे एक आलू कद्दूकस कर रही हूँ, गाजर कद्दूकस कर लूंगी, और कुछ इसमें से ही इसकी खिचड़ी में भी डाल दूंगी। फिर जो है मसाला बनाएंगे पराठों का, प्रिपेयर करेंगे बाहुबली पराठे का, तो उसमें गाजर भी होगा, पत्ता गोभी भी हो गई, और आपके पास जो भी सब्जियाँ हों वो आप डाल सकते हो, फूल गोभी है तो आप वो भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च आप वो भी डाल सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे इसकी खिचड़ी डाल देते हैं पानी में, ये बॉईल होती रहेगी, तब तक मैं अपने काम जो है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे ये डाल दी मैंने खिचड़ी पानी में, और ये सोया बड़ी जो बॉईल हो गई थी ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, एक बार बॉईल ही है लेकिन फिर भी डाल देती हूँ थोड़े छोटे पीस करके। आजकल इसको सोया बड़ी भी बहाने लगी, पहले ये कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं, जब से इसके बच्चे हुए हैं तो ये सब खाने लग गई है, तो तू तू मेरी नज़र ना लग जाए। तो ऐसे करके ये देखिए ये मटर और जो सोया बड़ी है वो हो चुकी है, इसको अब मैं मिक्सी में कर लूँगी तो ये बिल्कुल वो बन जाएगा इसका पेस्ट सा, फिर इसको पराठों के मिक्सचर में डालेंगे। ये देखिए गाजर आलू और पत्ता गोभी के कद्दूकस कर लिया कुछ, और ऐसे करके ये है, और ये मिक्सी में मैंने कर ही लिया है मटर, और उसको मटर इसलिए डाले क्योंकि इल्लू मटर नहीं खाती। प्याज और हरी मिर्च मैंने कट कर लिया, थोड़ा सा तेल लिया है उसमें मैंने, राई डाल दिया है, हींग डाल देंगे, और फिर क्या करेंगे प्याज डाल देंगे,
प्याज जब पक जाएंगे, प्याज और हरी मिर्च तो बाकी की सब्जियां डालेंगे। एक बार नमक मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा अब क्या है कि सब्जियां डाल देते हैं, जो भी आलू गाजर और पत्ता गोभी थी ना वो। तो इस मिक्सचर से आप सैंडविच भी बना सकते हो, बच्चों के टिफिन में ये पराठा दे सकते हो, जब चाहे तब खा सकते हो। और कोई रोटी का रोल बनाना हो तो उसके रोल बना के उस पे सॉस और मेयो डाल के फिर ये मिक्सचर डाल दो। आप कोरा भी इसे खा सकते हो, ईलू तो जो सोया बड़ी वाला ऐसा मैं बनाती हूँ तो वो कोरा भी खा लेती है, तो फिर उसको पसंद आता है। तो कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कई तरीके की वो करनी पड़ती है, तब जाके जो चीज़ नहीं खाते बच्चे वो भी खा लेते हैं। तो फिर इसमें मैंने कुछ बेसिक मसाले डाल दिए, पाव भाजी मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है, गरम मसाले की जगह पाव भाजी मसाला डाल दिया, तो इससे और अलग अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अमचूर पाउडर भी डाला है, थोड़ा सा खटास भी होनी चाहिए। और फिर बस हरा धनिया डाल देंगे तो ये तैयार हो गया। फिर बस पराठे बनाएंगे बड़े बड़े, इतने टेस्टी बने थे ना कि पूछो मत। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। वो तो अपन बटर वगैरह डाल के थोड़ा सा अनहेल्दी कर लेते हैं, लेकिन वैसे कम तेल या कम घी में बनाएंगे तो बहुत हेल्दी है। तो मैंने इनको धनिया तोड़ने में लगा दिया है। एक दिन इन्होंने चटनी बनाई थी तो चटनी बहुत अच्छी बनाई थी, और मुझे धनिया तोड़ने में आलस आ रहा था, मैं चटनी नहीं बना रही थी इतने दिनों से। तो आज मैंने इनको ये काम सौंप दिया कि जल्दी आ गए हो तो चटनी बना लो। और ये मसाला तैयार हो गया है, और अब मैं आटा लगाती हूँ, फिर बड़े बड़े पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे खिचड़ी तैयार हो गई थी, तो बस अब मैं पराठे भी बना लूंगी, और फिर चटनी बना ली थी इन्होंने, और जो है जो कि बटर वगैरह डाल के खा लेंगे। और इसी बीच मेरा हाथ भी जल गया था। हाँ, एक कमेंट आया था मुझे, आप इस बार मायके नहीं जा रहे हो, तो घर की जिम्मेदारियों के चलते मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि देखो चूचू भी अभी, इसको अभी बाहर बच्चों को निकाल नहीं सकते जब तक कि आँखें नहीं खुल जाती, तो कब बाहर इसको करेंगे कब नहीं करेंगे ये मुझे पता नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी है कि इसको खाना वाना कौन देगा, इसके बच्चों को कैसे फिर प्रॉपर मिलेगा। अब जो जिम्मेदारी ले लेती हूँ ना तो फिर मैं प्रॉपर ही निभाती हूँ, तो इस वजह से नहीं जा रही। प्लस मेरे हस्बैंड के टिफिन का रहेगा, क्योंकि इनकी तो विंटर वैकेशन ईलू की है, इनकी है नहीं, तो फिर इनका टिफिन का भी चक्कर है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के चलते, इन जिम्मेदारियों के चलते फिर मैं मायके तो नहीं जा पा रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट शायद मार्च में ही जा पाऊँ, क्योंकि अभी 25 फेब से तो ईलू के फाइनल एग्जाम्स भी शायद स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी फिलहाल बनेगा नहीं। ना ही मैंने कुछ ज़्यादा सोचा था, क्योंकि 16 मेरे बर्थडे वाले दिन ही इसके चूचों के बच्चे हो गए थे, तो फिर मैंने विचार ही नहीं किया ये करके। तो ये देखिए पराठा मेरा बन गया है, और इसी बीच मेरा हाथ जल गया था, गर्म सी थाली मेरे से पकड़ी गई थी, तो मेरा पूरा अंगूठा जो है जल गया था। पराठे बन गए, अचार रख दिया, चटनी रख दी है, और यहाँ पे मेरा हाथ बहुत बुरी तरीके से जल गया है, अंगूठा पूरा, तो पता नहीं मैं कैसे खाऊंगी। और सच में जल रहा है भैया, इतना जल रहा है, मेरा इतना खाना खा लिया, आधा इन्होंने खिलाया और आधा मैंने दूसरे हाथ से खाना पड़ा। इतना रोई मैं, इतना रोई कि पूछो मत, बहुत ही बुरी तरीके से जला। तो अब ये गए हैं क्रीम लाने के लिए, फिर ये लाएंगे। मुझे भी जाना था लेकिन फिर मैं नहीं गई, गीला टॉवल करके बैठी हूँ लगा के, ताकि जले नहीं, जलन मच रही बहुत भयंकर वाली। और राइट हैंड का अंगूठा जल गया, अब पता नहीं कैसे काम करूँगी। मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये दिसंबर तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा जा रहा है, कोई फल नहीं मिलता किसी अच्छाई का, फूल गया है ये, है ना। मेरे जलेगा तो नहीं, मेरे बहुत जल रहा है वैसे भी। ऐसे शेप हो गई इसकी। मम्मी मैं बहुत बुरा जल गया है, जल रहा है बहुत तेज जल रहा है, चलाओ पट्टी बंद हो गई, पानी बिना नहीं चल रहा है मेरे। बस ये कपड़े भी मैंने सुबह को समेटे थे, पट्टी बांध ली थी मैंने, और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। विचार काफ़ी कुछ करने का था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हाथ ही जल गया था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आज एक और व्लॉग आएगा 31 तारीख वाला,
तो आज ये शायद मैं जल्दी ही डाल दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।